दोस्तों, ये है कंप्यूटर की पावर सप्लाई। सही है, आज हम इसको करेंगे स्टार्ट विदाउट पीसी और इसको डीसी फैन पे चला के देखेंगे बड़े वाले पे कि कैसी काम करती है, कि लोड बर्दाश्त कर पाती है कि नहीं कर पाती। सही है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए इसका आता है ये मैकेनिज्म सारा का सारा। इसकी सारी वायरिंग है, आपको इस वायरिंग में से ये ग्रीन कलर का और एक ब्लैक कलर का तार काट लेना है। सही है, आपको दिख रहा होगा। सही है, इसको मिलाना है आपस में। फिर हम इसको लगाते हैं करंट। तो ये ऑन नहीं हो रही। सही है, हम अब ये ग्रीन और ब्लैक वायर लेते हैं, इसको आपस में टच करते हैं। हम देख रहे हैं कि अंदर का पंखा ऑन हो चुका है। सही है, और अब हम इसके लिए 12 वोल्ट के लिए ये इस्तेमाल करेंगे जिसकी हार्ड ड्राइव वाली आउटपुट आ रही होती है। इसमें ये येलो और ब्लैक तार लेंगे। ये येलो 12 वोल्ट है और रेड 5 वोल्ट है। तो ये हम येलो और ब्लैक तार लेंगे इसका कट करके। तो हमने ये तार कट कर लिए हैं, येलो और ब्लैक। आप ये ब्लैक कोई भी ले सकते हैं, येलो आपको 12 वोल्ट का लाजमी लेना है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं इस छोटे फैन पर। ये छोटा फैन चला रही है सप्लाई। हम इसको चेक करते हैं बड़े वाले फैन पे। तो छोटा फैन करते हैं साइड में। ये फैन है ऊपर हमारे पास छत पे लगा हुआ, 12 वोल्ट का जो मार्केट में मिलता है, तकरीबन 2 एम्पीयर या 3 एम्पीयर का होता है ये। तो ये इसको चला के चेक करते हैं। हम इस फैन की वायरिंग इससे जोड़ेंगे। अब हम इस फैन की वायरिंग इससे जोड़ेंगे और चेक करते हैं कि ये इससे लोड बर्दाश्त कर पाती है सप्लाई कि नहीं कर पाती। सप्लाई आप देख सकते हैं ऑन है, फैन चालू है सप्लाई का। आप देख सकते हैं कि ख़तरनाक स्पार्किंग हो रही है इसके अंदर। सप्लाई हो गई हमारी बंद। इसके तारों को जोड़ देंगे आपस में और ये यहाँ से कनेक्शन जो हमने फ़ोन करा था निकालेंगे, तो दोबारा लगाएंगे। तो ये सप्लाई हो गई ऑन। आपको फैन की आवाज़ आ रही होगी, फिर भी दिखा देते हैं। ये फैन इससे चल रहा है, तो फुल स्पीड में चल रहा है, इसका साउंड बता रहा होगा। सही है। अच्छा, एक बात और, अगर हम इस सप्लाई पे छोटे तार लगा